गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे सुबह बन रहे हैं जी आलू के परांठे। मैंने ऑयल ले लिया है, मैंने सरसों का ऑयल लिया है। तो यहाँ पे गाजर भी के पापा ने काट के रख दिए थे मोटे मोटे, क्योंकि छोटे छोटे गाजर लाए थे तो ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बन रही थी, तो इसलिए हमने सोचा इसका गजरेला ही बना दे। तो आलू के परांठे बना रही थी, बच्चे खुशी होकर खाते हैं, तो यहाँ पर लगी थी मैं बनाने सुबह सुबह। तो चाय के साथ मेरे को तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोले भिगो दिए हैं, तो छोले भिगो के रखे थे रात को, तो अब बनाएंगे इसको काले छोले को और गाजर का हलवा बनाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों की स्टडी हो गई है शुरू, क्योंकि अब फाइनल पेपर। तो यहाँ पे मैंने गजरेला बॉईल कर दिया था, तो आपको देख सकते हो, आप भी ऐसे पका लो। तो एक गिलास मैंने दूध डाला था, एक गिलास मैंने पानी डाला था, तो दूध भी नहीं, अगर सीटी आती तो बॉयल हो, तो बिल्कुल भी नहीं बाहर आया था मेरा दूध। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, बड़ी कढ़ाई, इसमें खुल्ला डुल्ला बनता है अच्छे से। तो मैंने यहाँ पर काले छोले के लिए अदरक लहसुन प्याज वगैरह काट लिया था, टमाटर वगैरह ले लिए थे, तो मैं इसलिए इसमें खड़े मसाले डाल रही थी, क्योंकि मेरी मिक्सी ख़राब हो गई थी, तो इस करके अभी बनाई नहीं है। तो ले गए थे बनाने के लिए, तो आई नहीं थी वापस, तो मैं इसीलिए इसमें, नहीं तो इसमें अगर सारा कुछ पीस के डालो तो बहुत ही स्वाद बनते हैं छोले, क्योंकि अगर ऐसे डालो तो बच्चों के मुंह में आते हैं तो बच्चे नहीं खा पाते। तो ये आप देख सकते हो मैंने कैसे दबाई, देखो मैंने इसमें 3-4 सीटियाँ बजाई थी। तो मैं इसमें घी ले लिया है पतीले से, अब मैं कढ़ाई में घी डाल रही हूँ। तो पहली वीडियो मेरी गाजर की सही नहीं बनती, गजरे देखते हैं, यहाँ पे ड्राई फ्रूट ले लिए थे मैंने, तो मैं फिर से हल्के हल्के मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो। तो बादाम डालेंगे और फिर इसमें डालेंगे, तो आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं छोले बनाने के लिए देखो मैंने दूध डाला था, 1 किलो के करीब मैंने दूध डाला था। दूध में ही मैंने ये गाजर को बॉयल किया, जब तक दूध सूखा नहीं तब तक मैंने इसको गोटा नहीं, मैंने ऐसे ही पकने दिया। बाद में मेरे से लग रहा था जैसे खोया सा बन गया, ये देख सकते हो आप कैसे खोलने के साथ घोट रही थी, मुझे तो बहुत ही आसान तरीका लगा खोलने के लिए, आप भी ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं छोले की सब्ज़ी बना रही थी, साथ में इसके लिए गाजर को भी हिलाई जा रही थी शायद बार बार, कि शायद नीचे ना लगे और दूध भी अच्छे से सूख रहा था, खोया जैसा बना था लास्ट में। तो यहाँ पे छोले मैंने बनाए थे रेडी हो गए, तो आपने फ्रेंड बनाई नहीं थी कि ऐसे छोले को, ये तो ऐसे छोले थे किसी होते हैं तो आपको तो पता ही होगा। बाय बाय।